जम्मू कश्मीर के कुलगाम के रेडवानी इलाके में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ हुई। आपको बता दें कि गादरबल इलाके में सोमवार को सुरक्षा बलों ने सर्च ऑपरेशन के दौरान एक आतंकी ठिकाने को ध्वस्त कर हथियार और गोला बारूद बरामद किए थे। इसी दौरान आतंकियों के साथ सुरक्षा बलों की यह मुठभेड़ सुबह शुरू हुई। इसके अलावा पुलवामा में भी सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ चल रही है और यहां भी सेना ने एक आतंकवादी को मौत के घाट उतार दिया है। यह मुठभेड़ त्राल के हाफू इलाके में हो रही है। सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके को घेर लिया है। दोनों ओर से रुक रुक कर गोलीबारी हो रही है। बताया जा रहा है कि सुरक्षा बलों ने इलाके में आतंकियों के लिए तलाशी अभियान भी चलाया था। इसी के बाद आतंकियों से मुठभेड़ शुरू हुई। जम्मू और कश्मीर के शोपियां में सुरक्षा बलों ने रविवार को भी एनकाउंटर में 6 आतंकवादियों को मार गिराया था। यह एनकाउंटर बटागुंडा में हुआ था, इसमें एक जवान भी शहीद हुआ था। सुरक्षा बल और पुलिस संयुक्त रूप से इलाके में तलाशी अभियान चला रहे हैं। सुरक्षा बलों को इलाके में 2 से 3 आतंकी छुपे होने की सूचना मिली थी, जिसके बाद सेना ने तलाशी अभियान शुरू कर दिया था। इसी दौरान मुठभेड़ शुरू हो गई। आपको बता दें कि जम्मू और कश्मीर के अनंतनाग में 23 नवंबर को भी सुरक्षा बलों ने मुठभेड़ में 6 आतंकवादियों को मार गिराया था। मारे गए सभी आतंकियों के शव सुरक्षा बलों ने बरामद कर लिए थे। आतंकी राष्ट्र राइफल्स की ओर से बिजबेहरा के सेकीपोरा में चलाए गए अभियान में मारे गए थे। आपको बता दें कि सुरक्षा बलों ने पिछले 3 से 4 दिन में करीब 20 आतंकवादियों को मौत के घाट उतार दिया है। हालांकि इन ऑपरेशंस में सुरक्षा बलों के जवानों को भी अपनी जान गंवानी पड़ी है। निखिल कुमार, पंजाब केसरी, दिल्ली।